तो फ्रेंड्स, आज व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है एक रेसिपी से। बहुत ही इजी, सिंपल और हेल्दी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बना रहे थे तो मैंने सोचा बीच में आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है 1 कप गुड़, और उसमें हमने 1 कप ही पानी डाला है, और ये गुड़ मेल्ट होने के लिए रखा हुआ है कढ़ाई में। और आज हम बनाने जा रहे हैं जो सूखा नारियल होता है ना, उसकी बर्फ़ी गुड़ के साथ। नारियल बहुत ही खट्टे हो रहे थे तो सोचा कि चलो इन्हें इस तरह से यूज़ कर लिया जाए। तो यहाँ पर देखिए, ये जो गुड़ है हमारा मेल्ट होना शुरू हो गया है, और दूसरी तरफ यहाँ पर ये दो नारियल ग्रेट करके रखे हुए हैं। मैं आपको बोलूँगी कि ग्रेट के बाद आप इनको मिक्सर में ग्राइंड कर ले, छोटे छोटे पार्टिकल्स बन जाएंगे तो और ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा इसको बनाने के। मतलब टेस्ट तो अभी भी अच्छा था, लेकिन वो और ज़्यादा अच्छा रहेगा ग्राइंड कर लें। तो यहाँ पर देखिए, ये मेल्ट हो गया है। तो गुड़ में आपने देखा होगा कि छोटी मोटी कुछ ना कुछ अजीब से कुछ गंदगी पार्टिकल्स कुछ कुछ आते रहते हैं, है ना, कुछ तिनके वगैरह जैसे हम उनको बोल सकते हैं। तो इसलिए गुड़ मेल्ट होने के बाद पहले हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे। तो यहाँ पर हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे। ज़्यादा गंदगी तो नहीं, कोई 3-4 पार्टिकल्स कुछ दिखे थे वो हमने निकाल लिए हैं। दोबारा से कढ़ाई में अब इसको हम थोड़ा स्टिकी होने के लिए रख देंगे, ठीक है। तो देखिए, इसमें उबाल आ रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी सूखे नारियल की गज्जक बनने की तैयारी चल रही है। आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं फ्लैक्स सीड, लेकिन मैं ये अभी ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी सीड साइकिल, जैसे कि कुछ कुछ सीड्स खाने होते हैं तो उस पर हैं हम, सीड साइकिल ऑलरेडी चल रही है, तो ये मैं इसमें ऐड नहीं करूँगी। लेकिन अगर आप चाहें तो कर सकते हैं अपने लिए, और भी कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो देखिए, ये थोड़ी सी ना स्टिकी होना शुरू हो गई है। पहले बिल्कुल लिक्विड की तरह थी, जैसे पानी होता है मेल्ट होने के बाद, लेकिन हम थोड़ा सा उबाल आ गया, स्टिकी हो गई है। तो इसमें धीरे धीरे दीदी ये ऐड कर रही हैं जो ये नारियल है, तो हम इसको ऐड कर लेंगे। और जो हमने ये नारियल ग्रेट किया हुआ था ना, ये थोड़ा ज़्यादा पड़ गया था, तो इसलिए हमने थोड़ा सा उसमें से बचा लिया है, और बाकी हम इसमें ऐड कर देंगे। और ये बच इसलिए भी गया क्योंकि हमने इसको ग्रेट किया हुआ है, अगर हम मिक्सर में ग्राइंड कर लेते तो शायद वो भी हो जाता अच्छे से। तो देखिए, बस हमको इस तरह से इसमें डाल देना है, इनको मिक्स करते रहना है, धीमी आंच पर इसको चलाते रहना है कि जब तक ये जो गुड़ की चाशनी जो दिख रही है साइड में वो सूख ना जाए, ये एक थिक पेस्ट ना बन जाए, एक आप इस वे में ले सकते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए, ये भी ऑलमोस्ट थिक हो चुका है, जो पिघला हुआ गुड़ था वो इतना नहीं दिख रहा है, इसी में सारा मिक्स हो चुका है। तो अब हमने एक स्टील की प्लेट ली है, उसको ग्रीस कर लिया है घी से, और उसके बाद हम इसको ये जो मिक्सचर तैयार हुआ है इस पर डाल देंगे, और इसको अच्छे से दबा के इसको सेट करेंगे, ठीक है। अभी आप देखिएगा किस तरह से होगा। तो देखिए, कुछ इस तरह से करना है, ठीक है। और हम इसको सेट होने के लिए 2 घंटे के लिए रख देंगे, उसके बाद इसके पीसीस बनाकर आप इसको खा सकते हैं। बहुत ही आसान है और हेल्दी भी है ये रेसिपी। अगर आप लोगों ने नहीं बनाई है पहले, तो आप इसको ज़रूर बना के देखिएगा, खाने में बहुत टेस्टी लगती है ये। पता कैसे चलेगा बन गई है? इज़ वेरी एक्साइटेड। पता किस चलेगा? उल्टी इज़ रेडी, ऑलमोस्ट रेडी, रेडी रेडी। सिया इज़, अच्छा, सिया से इंतजार नहीं हो रहा है इस वजह से, वरना मैं तो कर लेती इंतजार। कैसी है? अच्छी है, अच्छी है। गुड़ डाल रहे हैं? हाँ हाँ, मेन तो गुड़ी है, इसमें गुड़ और कोकोनट। चलो एक एक ले चलते हैं। हमें 2 घंटे के लिए रखनी थी, लेकिन रुका नहीं गया। आपको 2 घंटे तक इसको रेस्ट देना है। बहुत टेस्ट है, हम जरूर बनाएं। नारियल ग्रेट करके डाला है, इसको मिक्सर में ग्राइंड करके आप डालिए तो और इसके कम पार्टिकल्स आएंगे, अच्छा है, है? और मेरा सर्दियों का एवरग्रीन शॉल निकल चुका है, और मेरे हस्बैंड की इवनिंग शिफ्ट 4 बजे से शुरू हो जाती है, तो उनके लिए मैं उनका सोयाबीन का शेक बनाने वाली हूँ, ठीक है। वो बस तैयारी कर लेते हैं। आ गई लाइट, आ गई। ये सो रहे हैं, जग रहे हैं। क्या चाहिए हैनी को? वही मुझे आप दे रही थी। क्या दे रही थी मैं? मिठाई। अच्छी लगी? हाँ, और दो अभी ला रही। बस ये सबको इतनी पसंद आई है
कि अच्छे से सेट नहीं हुई है, लेकिन सबको अभी चाहिए कि और बना लेंगे। एक्चुअली बहुत टाइम के बाद बनाई है हमने ये। लसिया ये पापा को दिया। क्या वो दिया उतने में आपके लिए और निकालते? सिया का मन नहीं कर रहा कैसा है क्या? यम यम यानो पप पप पपा गिरेंगे गिरेंगे गिरेंगे। लो दी सोयाबीन और हम बनाएंगे इनका शेक शेक शेक। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं इनके लिए शेक बना रही हूँ। मैं ये पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। वैसे सोयाबीन ऐड करेंगे, दो बनाना ऐड करते हैं, इनका प्रोटीन होता है, और बस इसको मिक्स कर लेते हैं। चलो जल्दी बनाओ, फुर्ती दिखाओ थोड़ी। एक और शेक बनाते हैं। पहले शेक बनाया था वो सोयाबीन का था, और अब जो शेक बन रहा है वो ओट्स का बन रहा है, क्योंकि आज ट्यूसडे है। लेकिन ये चेंज है डाइट, कुछ और ले जाते हैं आई थिंक, पता नहीं आज क्यों। तो आज हमारे ओट्स ओट्स का बनेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? एंड आज है 16th of November। सारे पुराने व्लॉग्स जो थे वो अभी अपलोड हो चुके हैं। एक्चुअली अब की बार मुझे एडिटिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, बहुत ही ज़्यादा टाइम। एक्चुअली जब फेस्टिवल्स ख़त्म हुए थे उसके बाद तो मैंने एडिटिंग शुरू की थी। तो यस, और हर वीडियो पे कमेंट देखने को मिल जाता था, इतने पुराने व्लॉग्स चल रहे हैं। चलिए ख़त्म हो चुके हैं, अभी हम करंट में आ जाते हैं, प्रेजेंट टाइम में चलते हैं। तो अभी फेस्टिवल से जुड़ी हुई एक चीज़ रहती है, भाई दूज का जो मुझे गिफ्ट मिला है वो तो मैं आज वो शेयर करूँगी। और भाई दूज पे जैसे वो ये शगुन मिलता है, वो अलग मिलता है। गिफ्ट में मिले हैं मुझे ये सूट्स। आई थिंक जो फीमेल्स होती हैं हमारा इंटरेस्ट कपड़ों में ही ज़्यादा रहता है, और सब चीज़ों को हटाओ साइड में, बस ये देखो कपड़े कैसे हैं ना। तो ये सूट मिला है एक मुझे, और ये है साड़ी। तो मैंने नहीं खोली है अभी, मैंने यही सोचा था कि आप लोगों के सामने ही खोलूँगी मैं, ठीक है। तो थंबनेल के लिए मैं कैसे पकड़ूँ, ऐसे पकड़ूँ या मैं ऐसे? एक्चुअली आप लोग मुझे सजेशन दे दो, थंबनेल्स अच्छे डालो, ये डालो, पता नहीं यार। मेरे को तो सच में यूट्यूब पे रहते रहते सब बहुत कुछ सीख जाते हैं। मुझे ही लगता है मैं तो वही की वही हूँ, मुझे ना अच्छे थंबनेल्स आए हैं। ये कमी शायद मेरी इस वजह से भी है, क्योंकि मैं पूरा फोकस मेरा यूट्यूब पे नहीं रहता है। आई थिंक ये कमी मेरी इस वजह से है, मेरा डेडिकेशन नहीं है उतना यूट्यूब पे, है ना। क्योंकि आप तो समझ ही सकते हैं कि दो दो चीज़ें हैंडल करती हूँ, तो एक्सेप्ट कर लिया कीजिए कुछ कमियाँ, ठीक है। तो थंबनेल के लिए फिर से बताइए कैसे पकड़ूँ, ऐसे पकड़ूँ, ऐसे पकड़ूँ या ऐसे कैसे पकड़ूँ? चलिए देख लेंगे हम, बाद में निकाल लेंगे थम लेंगे इन्हें वीडियोस में से, ठीक है। तो मैं सबसे पहले सूट दिखा देती हूँ आपको। ये सूट है, सूट फिर से फेस्टिवल वाइब्स वाला सूट है। इसको मैं अभी स्टिच नहीं कराऊँगी, देखते हैं तब कराएंगे, ठीक है। तो ये है हमारा सूट, और मैं आपको ये दोनों चीज़ें बैक कैमरा से दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स ये है सबसे पहले सूट, तो मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ। जयपुरी प्रिंट में है ये, फ्रंट में ये नेक डिज़ाइन था। तो देखिए खोलकर मैं इसको दिखाती हूँ। इसका जो बॉटम है वो इस कलर का है। मैंने बहुत ज़्यादा सूट को खोला नहीं था, क्योंकि अंदर से प्लेन ही है ना, बाहर से देखने पर ही समझ में आ जाएगा। और ये देखिए फ्रंट में इस पर सितारा वर्क है इस तरह से, और मैंने इसलिए भी ज़्यादा इसको खोला नहीं था, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया अभी मैं इसको स्टिच नहीं कराऊँगी, तो अभी मैंने कम से कम खोला है। दुपट्टा मैंने खोल लिया था, दुपट्टे पे रेशम की कढ़ाई है, सर्कल्स बने हुए, दुपट्टा बहुत सुंदर लग रहा था इसका। तो ओवरऑल सूट हमारा इस तरह का है, ठीक है। यस ये, और यहाँ पर है भी साड़ी का नंबर। साड़ी को भी मैं खोल लेती हूँ। साड़ी को भी मैं अगेन मैंने बहुत ज़्यादा खोला नहीं था, बस ये कि इसका आइडिया पता चल जाए कि हाँ ये किस तरह की अंदर से। तो देखिए ये इस तरह की है, कलर लाइट ग्रीन में है, लेमन ग्रीन, लेमन ग्रीन था आई थिंक, ये कैमरे पे थोड़ा ऐसा आ रहा है। और अंदर से खोलने पर ये इसके ब्लाउज़ का डिज़ाइन था, जो इसका पल्लू था वो भी सेम इसी पैटर्न में था, ठीक है। तो ये इस तरह की साड़ी है। नहीं 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 ये इसका ब्लाउज़ ब्लाउज़ पीस ही था, हाँ ये इसका ब्लाउज़ था, और जो साड़ी का पल्लू है वो इसी सेम पैटर्न में है। तो ये हमारी साड़ी है, कुछ इस तरह की साड़ी भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। कलर एक्चुअली ऐसी साड़ियाँ दो थी, मम्मी दो लेकर आई थी मेरे और दीदी के लिए। सेम शॉपिंग होती है, बस जो कलर्स होते डिफरेंट हो जाते हैं। तो ये वाला कलर मैंने चूज़ किया था, मुझे अच्छा लग रहा था, दूसरा भी अच्छा था। फ्रेंड्स यही थे मेरे भाई दोस्त के गिफ्ट जो मुझे मिले हैं।
ठीक है। और अभी सैंडी को कराटे क्लास के लिए लेकर जाऊंगी मैं आज, पापा जी यहाँ पर नहीं है वरना पापा जी ड्रॉप कर देते हैं उसको, तो आज पापा जी किसी काम से बाहर गए हैं, आपने देखा भी होगा हम उनके रूम में ही थे मोस्टली टाइम, अब मैं उसको ड्रॉप करने जाऊंगी। ठीक है,